आज का प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1969 सोमवार। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चे, ये तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। ये तो निश्चय है ना बच्चों को, दुनिया को तो मालूम नहीं है ना, दुनिया तो समझती है पुरानी दुनिया में अभी 40,000 वर्ष रहने की है। और तुम बच्चे जानते हो, भूलो नहीं इन सब बातों को। तो ये जब बैठे भी हो यहां, तुम बच्चों को तो बहुत गदगद होना चाहिए अंदर में कि अभी ये जो कुछ भी देखते हैं वो तो विनाश को पाने का है। ये जानते हो कि आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे कर अभी तो बाप आया हुआ है। जब 84 जन्म पूरे होते हैं, पुरानी दुनिया पूरी होती है, तभी बाप आए कर करके, ये तो होता है ना। पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया। अभी तुमको पुरानी दुनिया से नई दुनिया, नई दुनिया से पुरानी दुनिया का चक्कर बुद्धि में ज्ञान जरूर है। यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को ये ज्ञान जरूर है कि हम अनेक बार ये चक्कर खाया है। ये तो समझना चाहिए बच्चों को कि हमने 84 का चक्कर खाया है। ये बाप ने आकर के समझाया है और हम समझते भी हैं कि बरोबर अब ये पुराना चक्कर पूरा होने वाला है। फिर बहुत थोड़े आदमी, यानी हम थोड़े और देवी देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना। इसमें मुझने का तो नहीं है ना। ये तो जरूर सारा कर्म की बात है। मनुष्य जो कुछ भी उल्टा कर्म करते हैं तो उनको अंदर में खाता है। अभी हम देखो, आधा कल्प ये छी छी कर्म किए। बाप पूछते हैं, भाई इस जन्म में, क्योंकि ये तो तुम जानते हो कि ये तो है ही छी छी रावण का राज्य। ये रावण का राज्य कैसे है ये भी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं समझती है, कोई भी नहीं समझता। रावण किस चीज का नाम है,
ये बापू गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। ये राम राज्य क्या चीज है? वो तो स्वयं बापू जी भी नहीं जानते थे। बाप आके समझाते हैं ना, ये बड़ा बाबा है ना बेहद का, वो बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में, सब पुरानी दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये भेंट कर दी है राम राज्य और राम राज्य में। राम राज्य वो यही जिसकी चोरी हो गई थी ना, राम राज्य राम की सीता की। जब राम समझते हैं तो भी पूरा नहीं समझते हैं। धुंधकारी है इसको कहा जाएगा, ये दुनिया धुंधकारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाप ज्ञान का वर्षा देते हैं ना, इसलिए भक्ति तो करते ही नहीं हो, क्योंकि जानते हो कि बरोबर वो तो रात में हम घोर धक्का खाते 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 अभी हाथ मिला है बाबा का। जैसे कि ये विषय वैतरणी नदी में हम बिगर कोई के सहारे गोता खाते रहते थे, जो भी गुरु गोसाई वगैरह जो भी है वो सभी गोता ही खिलाते रहते हैं। और यूं भी ड्रामा के प्लान अनुसार ये आधा कल्प तो है ही भक्ति का, कोई ज्ञान तो मिलने का है ही नहीं। ज्ञान मिलने से नई दुनिया में सतयुग में चले जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को तो अभी भी यहां बैठे हो निश्चय है कि बरोबर अभी हम बाबा को याद करते करते पवित्र हो हम जाएंगे जरूर, और फिर पवित्र राज्य में जाएंगे। हम कल्प कल्प ऐसे ही इस समय में, ज्ञान भी तो अभी मिलता है ना पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब ये संगम युग तो है ना, तो बुद्धि में बहुत अच्छा बच्चों को रहना चाहिए। तो है ये संगम युग बच्चे, संगम युग का अर्थ क्या? तो बोलेंगे संगम युग सो भी पुरुषोत्तम अक्षर आगे डाला हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग। हम जो बरोबर बिल्कुल ही छी छी थे सो गुलगुल बन रहे हैं। ऐसा भी कहें कि कांटों से फूल बन रहे हैं। बुद्धि में है कि कौन बनाए रहे हैं? अभी बाप को जाना है कि हम आत्माओं का सबका बाप,
उसको ही तुम बच्चे बेहद का बाप कहते, ठीक है ना बच्चे? लौकिक बाप तो बेहद का बाप नहीं है ना बच्चे? तो ये पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से बाप है, और फिर ब्रह्मा का भी तो ऑक्यूपेशन चाहिए, तो सही जरूर चाहिए। इतना गाया हुआ है, तो ये तुम बच्चे अभी सब का ऑक्यूपेशन जान गए, बाप का ऑक्यूपेशन जान चुके, विष्णु का ऑक्यूपेशन बिल्कुल जान चुके हैं, और ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जान चुके हैं। चित्र में देखो कैसे वो झंझा हुआ है स्वर्ग का मालिक, जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अब ये संगम का ही कहेंगे, अगर पुरुषोत्तम ये संगम युग है, सूक्ष्म वतन भी तो संगम ही है, और क्या है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तो फिर वो भी तो संगम में आते हैं ना, सूक्ष्म वतन भी तो संगम में ही आते हैं ना। तो बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तो इसलिए ये जो भी पुराना और नया का संगम है, ये तुम जानते हो अच्छी तरह से, दुनिया बिचारी नहीं जानती है। बिचारी क्या, ड्रामा है ना, बाप आकर के समझाते हैं, वो दुनिया वाले तो बिचारे जानते भी नहीं, बाप को पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले, देखो तो वो जानते तो है ना कुछ, कितना क्लियर समझते हैं, और तुम भी तो समझा सकते हो ना भाई, पावन दुनिया, नई दुनिया, पतित दुनिया, पुरानी दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने वाला तो सुप्रीम सोल बेहद का बाप ही है, और कोई तो जरूर है जिसका पार्ट है। तो ये तो जानते हैं ना बरोबर, बाप का, बेहद के बाप का भी कोई पार्ट तो है ना, क्रिएटर, डायरेक्टर भी तो है ना, उसको सबसे बड़ा तो सब मानते हैं ना बच्चे। तो उनकी भी तो कोई एक्टिविटी होगी ना इस दुनिया में बड़े का, क्योंकि उसको आदमी नहीं कह सकते हैं, उनको शरीर नहीं है, बाकी तो सबको कह सकेगा। आदमी मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे, फिर तो आदमी तो है ना, मनुष्य तो है ना बच्चे।
ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर शिव को न देवता कह सकेंगे न मनुष्य कह सकेंगे, क्योंकि उनको शरीर न देवता ही शरीर न मनुष्य का शरीर। और ये जो है ये तो टेम्परेरी है, ब्रह्मा का शरीर। ये बच्चे जानते हैं कि ये कोई गर्भ से नहीं पैदा हुआ है, नहीं, ये तो इनमें आकर के खुद प्रवेश किया है। खुद भी कहते हैं कि मैं इनमें मीठे बच्चों को हम राजयोग कैसे सिखलाएंगे शरीर बिगड़। जजमेंट लेते हैं ना बच्चों से, तुम बताओ हमको भले मनुष्य का क्या क्या कह देते हैं, पत्थर ठिक्कर धूल छाई, पर तुम तो अभी जान गए हो ना कि मैं खुदा करके बताता हूं कि मैं आता हूं इसमें बैठ करके। देखो ना राजयोग सीख रहे हो ना, ये जानते हो ना कौन सिखलाते हैं, मनुष्य तो नहीं सिखलाते हैं ना, नहीं, देवताएं तो हैं राजयोगी, उनको वो तो कुछ सिखलाने का नहीं, वो तो है ही। अभी राजयोग किसने सिखलाया? तो देखो ये राजयोग है ना, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग था इसके आगे। इसके आगे ये राजा तो नहीं थे ना, देखो तुम इनको कैसे अच्छी तरह से जान गए हो। तुम बच्चों को अथाह खुशी अंदर में ये सिमरन करके कि हम अभी 84 जन्म पूरा करके मीठा बाबा आया हुआ है, और बाबा कल्प कल्प आते हैं, तो ये अपने लिए तो नहीं कहते हैं ना बाबा, ये तो अपने लिए तुम बच्चों को कह दिया कि बाप खुद बताते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत। अभी तुम बच्चों के तो बुद्धि में बहुत है ना याद, बरोबर जो प्रिंस था श्री कृष्ण वही एकदम शुरू से लेकर के छोटेपन से, क्योंकि जन्म लिया जाता है तो बचपन से लिया जाता है ना। तुम इनके शिव बाबा के तो जन्म नहीं 84 बताएंगे ना। देखो श्री कृष्ण के जन्म एक्यूरेट बताएं, क्योंकि वो सुगोरा था अभी सांबरा है, सूर्यवंशी था और अभी वैश्यवंशी, अभी अभी ब्राह्मण कुल में आया हुआ है। ये तो अच्छी तरह से जानते हो ना,
तो देखो, ये तुम जो जानते हो, दुनिया भर में बच्ची कोई भी नहीं जानते, कोई की भी बुद्धि में नहीं है। स्मृति में कोई को भी ये बात नहीं है, तो इसलिए मीठे बाबा को तो ऐसे ही याद करो। बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस ये तो दुनिया है ही नहीं, ये तो रावण की दुनिया है ना। हम इनको क्यों याद करें कि हम अपने नई दुनिया को याद करें ना। बाबा कहते हैं, अरे कितना बेबियों को समझाया जाता है सच पच्चे, इन बच्चों का बाप मकान बनाए रहे हैं, और क्या वो नहीं समझते हैं कि मेरे लिए मकान बन रहे हैं? ऐसे है ना। अभी जिनका मकान बन रहे हैं, जिन बच्चों के लिए, तो बेहद की बात है ना। कोई स्थूल मकान की तो बात नहीं है ना, वो तो जानते हो कि संगठन रूपी मकान है। तुम जानते हो, सभी जानते हो कि हमारे लिए मकान तो क्या स्वर्ग बन रहा है, उस स्वर्ग में जरूर मकान भी रहेंगे जिसमें बैठेंगे। स्वर्ग तो बड़ा बेहद का है, वो तो नाम ही है नई दुनिया का स्वर्ग। तो तुम बच्चों को तो ये मालूम है ना बच्चे, कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, और जितना हम बाबा को याद करेंगे, हम गुल गुल बनते जाएंगे, फूल बनते जाएंगे। देखो, दुखदाई कांटों से सुखदाई फूल कैसे बनते हैं, ये दिल में जांचते रहो बरोबर, कि हम काम के बस माना ही कांटों के बस हुए। कांटे हमको लगते हैं, और बरोबर अभी तुम जानते हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, समझे ना, ऐसे मत समझो को काम। बाबा ने तो बोल दिया है कि हाफ एंड हाफ खाती है, समझा ना। बाप जानते हैं तभी तो कहते हैं ना, हाफ एंड हाफ। मैं अभी नाम कितना भी तुमको बता के देऊं, और तुम खुद भी समझ सको, जो नहीं आते हैं वो कहां गए। जरूर काम के वशीभूत हो गए ना, माया के वश में गए, यहां है नहीं, बाप के पास नहीं है। 6 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, चौथी लाइन।
तो देखो ट्रेटर बन गए हैं ना अपने पुराने दुश्मन के पास चले गए। समझा? आते ही नहीं है बहुत देर। शुरू से हिसाब करो क्या करे, बेहद की बात है। अभी बेहद का फोटो न लगा सकते न चित्र एक एक सेंटर में। वृद्धि को पाते रहेंगे बित्ते चित्ते सभी। और कौन बैठा है जो बैठ करके रोज रोज तुमको ये दिखलावे कि देखो कितने चट्ट चिन्ह हो गए कितने खत्म हो गए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहां से हो करके गए हैं। लास्ट ईयर में हमारे यहां से होके गए हैं बड़े अच्छे अच्छे हमारे से बहुत अच्छे अच्छे कि हम ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। यज्ञ के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, हम ये करेंगे। अरे आज है ही नहीं। यानी बड़े बड़े साहूकार, समझा ना? उनमें कोई साहूकार भी आ जाते हैं तो मीडियम मिडिल क्लास के भी आ जाते हैं, थर्ड क्लास भी आते हैं। तभी बाबा ने कहा ना, सभी क्लास में से हाफ अपना जीत लेते। जब लड़ाई होती है तो जानते हो ना, कमांडर इन चीफ भी मारे जाते हैं, कमांडर्स भी मारे जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो ये भी ऐसे ही है बच्ची, ये फिर लड़ाई है वंडरफुल, माया से लड़ाई। ओ शांति।